ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹੰਤਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਾਰਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਝੁੱਚਰ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2200 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ। सरदार वरियाम सिंह ने जाके सरदार लक्ष्मण सिंह नूं आखिया, सरदार लक्ष्मण सिंह भट्ठे कोल पहुंच चुके सन, जिहड़ा भट्ठा ननकाणा साहिब दे ऐन सामने है। हुण गुरद्वारा ननकाणा साहिब दी हद विच प्रवेश करन लगे ने। एक होर इत्थे जिक्र करदे आ, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली दे जत्थे विच इक सिंह सी जिसका नाम सी केहर सिंह। इह केहर सिंह इन्ना बहादुर सी, महाराजा रणजीत सिंह की एक बटैलीयन सी जिसका मुखी सी कवर नौनिहाल सिंह, ते कवर नौनिहाल सिंह की फौज में एक सूरमा सी जिसका नाम सी सरदार केहर सिंह। यह सरदार केहर सिंह जिहड़ा है इन्ना बहादुर सिंह सूरमा सी, इन्ना बहादुर सी, खिमा करियो, कवर नौनिहाल सिंह दी फौज दी टुकड़ी विच सिंह सूरमा सी जिसका नाम सी काबल सिंह, ते उस काबल सिंह दे घर एक पुत्र दा जन्म होया सरदार जीवन सिंह। इस जीवन सिंह दा विआह होया हरनाम कौर दे नाल, ते इन्हां घर एक बच्चे दा जन्म होया जिसका नाम सी केहर सिंह। ये इन्ना बहादुर सी, जदों गोरियां ने अंग्रेज़ां ने शेर दा शिकार करन जाणा हुंदा सी ना, इसनूं अपने नाल लैके जांदे सन। इन्ना बहादुर सी, जदों शेर की शिकार की गल आती है, गुरु हरगोबिंद पातशाह ने शेर का शिकार किया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने तीन बारी शेर का शिकार किया। इतिहास ने एक बड़ी अहम घटना सामभ के रखी है। एक बार ऐसा होया जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आगरे के नेड़े बहादुर शाह मिलते हैं, तो बहादुर शाह के नाल अजे गलबात करते पे ने। बहादुर शाह आखदा, कहिंदा, पातशाह मैं पहाड़ी राजियां तो सुनिया कि तुसी शेर का शिकार बड़ी सोहे ढंग नाल करते हो, कि यह सच गल है? पातशाह ने आखिया, हाँ शेर का शिकार करते हैं। आखदे, साडे इत्थे जैजों के जंगल में बड़ा खौफनाक आदमखोर शेर रहिंदे, जे तुसी उहदा शिकार करो फिर मनिए तुसी शेर का शिकार कर सकते हो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अजे जान ही लगे सन, सरदार रोशन सिंह खड़ा हो गया। सरदार रोशन सिंह बहादुर शाह नूं आखदा, कहिंदा, बादशाह जे सतगुरु का सिख शेर का शिकार कर सके पर सतगुरु नूं जाण दी की लोड़ है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपनी शमशीर देनी चाहिए, लै रोशन सिंह इस शमशीर दे नाल शेर का शिकार करी। अगो रोशन सिंह हाथ जोड़ के आखदा, बादशाह मैं तुहाड़ी शमशीर लैके नहीं जाणी, जे मैं तुहाड़ी शमशीर नाल शेर का शिकार किया। बहादुर शाह ने आखना, इस शमशीर विच ही कोई करामात है जिहदे नाल शेर मारिया गया, मैं तुहाड़ी शमशीर नाल नहीं बल्कि मैं अपनी शमशीर भी तुहाड़े चरणां विच भेटा कर चलिया। पातशाह ने पूछिया, फिर शिकार किहदे नाल करेगा? अगों आखदा, कुत्ते नाल, डंडे नाल, डंडे दे नाल शेर नूं मारूंगा। ते अजे शाम का वेला सी, बहादुर शाह ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आपस विच गल कर रहे सन। रोशन सिंह डंडे दे नाल शेर का सिर फिया होया, शेर दे गल रस्सा पाया होया, घसीट के लिया दा बहादुर शाह दे पैरां च सुट दिता। बहादुर शाह इन्ना खुश होया, कन्नां नूं हथ लांदा हैरान हुंदा है, आखदा, मेरे सिपाही हथियारां दे नाल बंदूकां नाल जंगल विच नहीं जांदे, तुहाडा सिख इक डंडे नाल शेर दा शिकार कर आया है। गल विचों कीमती मोतियां दी माला ला के ते गल पाउणी चाहिए, रोशन सिंह ने रोक दिता। आखदा, बहादुर शाह, बादशाह मैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा सिख हां, जिहड़ी भी दात लैनी है अपने गुरु तो मंगागा, तेरे कोलों दान नहीं लैना, दान केवल ते केवल मेरी झोली च गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पा सकते ने। उसने मना कर दिता, उसने शेर का शिकार किया रोशन सिंह। फिर उस तो बाद शेर का शिकार करने वाले ने सरदार हरी सिंह नलूआ। पंचमी के मौके, बसंत मौके, जदों महाराजा रणजीत सिंह भारी दीवान लगाते ने, डोगरिया ने आके महाराजा रणजीत सिंह के कन विच गल आखी, आखदे ने सुनिया कि हरी सिंह नलूआ बड़ा बहादुर है, शेर का शिकार करता है, असी एक आदमखोर शेर को पकड़ के ले आए हैं, जे वह शिकार करके दसे तो फिर मनी।
महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह नलूए वल देखिया। हरि सिंह नलूआ उस वेले खड़ा हो गया, इधरले पासों शेर छड़िया गया, इधरले पासे हरि सिंह नलूआ खड़ा। काफी चिर घोल हुंदा रहा, गुथम गुथा हुंदे रहे। अंत हरि सिंह नलूए ने शेर के जवाड़िया च हाथ पा के शेर नूं दो टुकड़िया च कर दिता, जवाड़ा पाड़ के सामने सुट दिता, शेर की मौत हो गई। कई बार जिक्र करिया करता शेर को मारना सौखी गल नहीं है। जदों शेर के संबंध में पढ़ता, जदों बंदा पूरे जोर शोर के नाल कोई काम करता हो, बड़ा मेहनत मुशक्कत वाला बड़ा हैवी काम करता हो, शरीर में 150 pound square inch की ताकत पैदा होती है, सिर्फ 150 pound square inch की। ते जदों शेर पूरे जोर नाल अपने शिकार वल वधे, शेर के मूंह विच 691 pound square inch की ताकत पैदा होंदी है, ते 691 pound square inch की ताकत रखने वाले शेर का जवाड़ा पाड़ना, वह भी वह बंदा पाड़ता पे है जिस विच 150 pound square inch की ताकत है। 3-4 गुणा वध ताकत रखने वाला शेर उसने जवाड़े च हाथ पा के जवाड़िया दो टुकड़िया च बंट दिता, जवाड़ा पड़ के सामने सुट दिता। अंदाजा ला सकते हैं हरि सिंह नलूए दियां बाहां च किन्ना जोर किन्नी ताकत होगी। हरि सिंह नलूए तो बाद शेर का शिकार करने वाले ने सरदार कीर सिंह, जेडे 4 battalion के मौजूद ने, इन्ने बहादुर सन जदों गोरिया ने शिकार कर जाना सी अपने नाल लैके जाते सन। हुण जदों गोरे एक अंग्रेज अफसर केर सिंह नूं अपने नाल जंगल विच लैके गया, झाड़ियां दे विचों कुछ हिलण दी आवाज आई, अगों गोरा अफसर दरख्त ते चढ़िया होया है, आखदा केर सिंह छेती दरख्त ते चढ़िया, इस शेर ने तैनूं खत्म कर देना है। अगों केर सिंह आखदा है, अंग्रेज अफसर तैनूं पता है मेरा नाम की है, मेरी मां ने मेरा नाम रखिया केर सिंह, ते केर दा मतलब हुंदा है शेर, जे शेर शेर तों डर के दौड़ जाए फिर मर्दां वाली गल ते ना हो, मैं इतने पुंजे बैठ के शेर का शिकार करांगा। जदों सामने वो झाड़ियां दे विचों शेर आया, सरदार कीर सिंह ने अपने हाथ में बरछा फड़िया होया है, वह बरछा शेर के मूंह में मार दिता। कीर सिंह थले चौंकड़ा मार के बैठ गए, जिवें पुंजे असी चौंकड़ा मार के बैठते हाँ, हाथ में बरछा फड़िया होया है, चौंकड़ा मार के बैठे ने, उधरले पासों शेर जोर लाता है केर सिंह वल वधण की कोशिश करता है, तो इधरले पासों सरदार केर सिंह पूरा जोर ला रहे ने, इन्ना जोर लग्या वह बरछा शेर के जवाड़े को पाड़ के बाहर निकल गया। अंग्रेज अफसर ने उस वेले जिहड़ी तस्वीर खिंची वह 1937 सरदार गुरबख्श सिंह ने अपनी किताब में छापी सी कि सिंघां विच इन्नी बहादुरी है। वह सरदार केर सिंह जिन्हां दा पुत्र सी दरबारा सिंह जिहड़ा सिर्फ 8 साल का सी, अपनी दादी गुरनाम कौर नूं आखदा है, हरनाम कौर नूं आखदा है, दादी मां मैं भी शहीद होना चाहुंदा, मेरा पिता सरदार केर सिंह जो इस वेले शहीदी जत्थे विच शामिल होने चले है, मैनू भी इजाजत दे, मैं भी अपने पिता दे नाल ननकाणा साहिब शहीद होने जाना है। अगों दादी समझाती है, पिता समझाता है, पुत्र तू अजे बहुत छोटा है, आखदा साहिबजादियां तू तां वड्डा ना, छोटे साहबजादियां तो ज्यादा उम्र है मेरी, मैं अपने पिता दे नाल ननकाणा साहिब शहीद होना जाना चाहुंदा, मैनूं जाण दी आग्या दित्ती जाए। ते माता हरनाम कौर दा जिहड़ा कद सी ना वह मथुरा सी छोटा सी, कदे किठे सन, बच्चे दरबारा सिंह ने थले एक फट्टी रख दिती, अपनी दादी नूं आखदा दादी इहदे उत्ते चढ़ के मेरे पिता नूं आशीर्वाद दे, ते जदों पिता नूं आशीर्वाद दिता आप फट्टे ते चढ़ गया, दादी मेरे सिर ते भी हाथ रख मैं भी ननकाणा साहिब शहीद होण चलिया। ते जदों रस्ते विच सरदार चंदा सिंह जी सरदार लक्ष्मण सिंह दारोवाली ने रोकण की कोशिश की, भी तू अजे बहुत छोटा है, तू ननकाणा साहिब अजे ना जा, माहौल बड़ा खराब है, ते एक बच्चा आखदा पिता जी मैं तुहानू ये भी नहीं आखांगा मैनू तुसी गोद में चुक लो, मैं तुहानू ये भी नहीं आखांगा मैनू भुख लगी है, मैं रस्ते विच तुहानू तंग नहीं करांगा, मैनू अपने नाल लै जाओ मैं भी अज शहीद होना है। सरदार दरबारा सिंह 8 साल की उम्र अपने पिता सरदार केर सिंह के नाल शहीदी जत्थे विच शामिल होंदे ने।
हुण जदों सरदार वरियाम सिंह ने आके ये खबर दिती कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह फैसला किया है कि तुसी अंदर ना जाओ, हुण इत्थे सिख विद्वानां दी वख-वख राय है। कुछ सिख विद्वान आखते हैं कि सरदार लक्ष्मण सिंह ने आख्या असी अरदास करके तुरे हाँ, असी गिदड़ नहीं हाँ, डरपोक नहीं हाँ, जो अरदास की है अज जरूर पूरी होगी, असी ननकाणा साहिब जरूर जावांगे। ते कुछ सिख विद्वान इत्थे ये लिखते हैं सरदार लक्ष्मण सिंह ने यह विचार दिते ठीक है असी ननकाणा साहिब कब्जा करन नहीं जाते, जे श्रोमणी कमेटी ने सानू आख्या कब्जा करन वाली भावना नाल नहीं जावांगे, पर अज गुरु हर राय साहिब पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा है, घट्टो घट प्रकाश दिहाड़े ते तां सानू दर्शन करने चाहीदे ने, वध तों वध की होएगा मंद सानू कतल ही कर देगा ना, असी जरूर दर्शन करन जावांगे। ते जदों ये लक्ष्मण सिंह दारूवाली का जत्था ननकाणा साहिब की हद में प्रवेश करता है, सरदार लक्ष्मण सिंह गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठ के चौर की सेवा कर रहे हैं। गुरु के लाडलिया ने आशा की वार का कीर्तन शुरू किया, महंत के गुंडिया ने दर्शनी द्यौड़ी का दरवाजा बंद कर लिया, गोलियां की पछाड़ा पा दिया, 25 सिंह उस वेले शहादत का जाम पी गए, शहीदियां होनिया शुरू हो गई। फिर दर्शनी द्यौड़ी के उत्ते आए जिहड़ा सामने नजर आता सी गोली मार दिती जांदी सी, सरदार लक्ष्मण सिंह नूं भी 6 गोलियां लगियां, गुरु ग्रंथ साहिब के सरूप नूं गोलियां लगियां। जदों ये कातलाना हमला हो रहा सी, वो जिहड़ा 8 साल का बच्चा दरबारा सिंह आया सी अपने पिता केर सिंह के नाल, उसनों एक थां ते अलमारी रूप एक चीज विच बंद किया होया सी, दरवाजे बंद किए हुए सन, अंदरों उस बच्चे की आवाज आ रही सी मैनूं बाहर कटिया जाए, मैं अपने पिता दे नाल शहीद होना चाहुंदा। पिता केर सिंह नूं पहली गोलियां मार के शहीद किया गया। जदों वह बच्चे की आवाज सुनी महंता ने पुजारी दे गुंडिया ने, उन्हूं भी उस अलमारी चो बाहर कटिया गया, पिता की लाश उत्ते सुट के मिट्टी का तेल पा के अगला साड़ दिता गया, वह भी शहीद हो गया। महंत ने जाना सीगा कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वास्ते, जिहड़ी कॉन्फ्रेंस लाहौर में होनी सी सनातन सिख कॉन्फ्रेंस, जिदे विच अडण शाइए सुथरे शाइए चरण दासीए निरंकारी साध निर्मले साध बाबे संत सारिया ने कट्ठे होकर फैसला करना सी कि असी अकालिया खिलाफ अपना सब कुछ बार देंगे, पर ननकाणा साहिब उत्ते कब्जा नहीं होने देंगे। एक गड्डी विच बैठने वाला सी 19 फरवरी नूं कि एक मुसलमान बीबी ने आके खबर दिती कि सिंघां दा जत्था ननकाणा साहिब वल वध रहा है, उस वेले अपनी ट्रेन छड़ के कॉन्फ्रेंस छड़ के सिंघां वल वधिया, इसने मूंह ते चिट्टी चादर लपेटी हुई सी, गुंडियां नूं इशारे करदा पिया सी कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहीदा। सरदार दलीप सिंह जी ने आके महंत नूं आखिया कि ये कातलाना हमला ना कर, वह तो गुरु हर राय साहिब पातशाह प्रकाश दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते आ रहे ने, अंदर मत्था टेकण वास्ते आए ने, अजे असी कब्जे वाली भावना नाल नहीं आए। उस महंत नारायण दास ने गुंडियां नूं इशारा करके दलीप सिंह ते भी गोली चलवा दित्ती, सरदार दलीप सिंह कौम का आगू भी उत्थे शहीद हो गया। ये वो शहादत सक है, वह शहादत इतिहास है जिहड़ा सुनहरी पन्नियां विच लिखिया जाना चाहीदा है। सिंघां ने किवें अपना खून डोल के गुरद्वारा ननकाणा साहिब नूं आजाद करवाया, ते जिहड़ियां छोटियां नालियां बणियां हुंदियां ने जिन्हां दे राहीं पाणी बाहर जांदा है, अज उन्हां नालियां दे विच पानी नहीं सी, सिंघां दा खून सी, जिस चुबच्चे विच संगत अपने पैर धो के गुरुद्वारे विच प्रवेश करती है, अज उहदे विच भी पानी नहीं सी, उह भी अज खून दे नाल भरिया पिया सी। सिंघां ने अपना खून डोल के उस अस्थान नूं आजाद करवाया, ते अज असी उहनां महान शहीदां दी याद में जुड़ बैठे हाँ जिन्हां ने गुरुद्वारियां दे विच दोबारा मर्यादा बहाल की। अज साढ़े सारियां दा फर्ज बनता है जिन्हें भी देशों विदेशों में अस्थान ने जिन्हें भी गुरुद्वारे जिथे जिथे साड़ी पहुँच हो सकती है जिथे जिथे असी हाजरियां भरते हाँ कोशिश करनी चाहिए है। पंथक मर्यादा जिसनों सिख रहित मर्यादा आख्या जाता है उसनों पूर्ण तौर पर गुरुद्वारियां दे विच लागू करवाया जाए। कुंभ जोत नारियल जो अखंड पाठ साहिब के नाल रख दिते जाते हैं, इस तों इलावा श्राद, फिर जदों बच्चे का जन्म हुंदा है जन्म संस्कार वेले सूतक दे भरम, आनंद कारज वेले जो भरम किए जा रहे हैं, मृतक संस्कार वेले जो भुलेखे पाए जा रहे हैं, सिख